हेलो गाइज, मैं हूं आपको दोस्त निखिल। और आपके इतने जबरदस्त डिमांड के बाद आज फाइनली अंडर द डोम सीरीज का क्लाइमेक्स रिवील होगा। पर अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ये वीडियो यहीं पॉज करके इसका पिछला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। वरना यकीन कीजिए, ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं प्रणव बिशद को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको भी मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप भी इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो, ताकि मैं आपके लिए ये चैनल कंटिन्यू रख सकूं और आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटे रिकैप से। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिम और जूलिया मिलकर गुफा को नष्ट कर देते हैं, पर लकीली किनशिप एक एमिथिस बचाने में सफल हो जाती है। पर इसके कारण क्रिस्टीन के लिए एक नई परेशानी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि बिना इनफ एमिथिस के जो डोम के लिए बैटरी की तरह काम कर रहा था, डोम अब धीरे धीरे कैल्सिफाई होने लगता है, जिसका मतलब सून टाउन के लोगों का दम घुटकर मौत हो जाएगी। क्रिस्टीन का स्कीमा हाथ लगने पर जोई उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अनुसार वो डोम को नष्ट करने का तरीका है। पर अंत में सैम के चालाकी के कारण वो किनशिप के हाथ लग जाता है। वहीं ईवा का प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर कि उसके पेट से जन्म देने वाली न्यू क्वीन है, जिम उसे खत्म करने की कोशिश करता है। पर अब और भी पावरफुल ईवा के सामने वो टिक नहीं पाता और उसे दुम दबा के भागना पड़ता है। पर इन सब के बाद अब क्रिस्टीन का सबर का बांध टूट जाता है और वो फोर्स के साथ जिम के लोगों को हंट डाउन करने की ऑर्डर देती है। और पिछले पार्ट के अंत तक जिम और उनके साथी खुद को किनशिप से घिरा पाते हैं। वहीं क्रिस्टीन ईवा को 12 वुमेन्स के साथ कोई सीक्रेट प्रथा को अंजाम देने के लिए एक सेफ जगह छिपा देती है। और एपिसोड एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि सही समय पर बारबी जूलिया को अननोन लाइफ फोर्स के कारण से छुड़ाने में सफल हो जाती है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके आगे की कहानी से। जिम और सभी ट्रैप, उनके पास और कोई चारा नहीं होता बचने का। पर अचानक से हेक्टर अपने एक्टियन सेना के साथ ढाबा बोलता है और एन मौके पर उन्हें वहां से बचा ले जाता है और सभी नए लोकेशन पर पनाह ले लेते हैं। वहीं इस तरफ एक के कंट्रोल से छूटने के बाद जाहिर तौर पर बारबी को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, ईवा से मेट और करीब करीब जूलिया की जान लेने से। पर जूलिया के लिए वो नॉर्मल हो गया वही काफी होता है, इसीलिए वो उसके अनजाने में किए के भूल को माफ कर देती है। पर कुछ भी हो, बारबी के लिए ईवा के पेट में पल बच्चा उसका भी है और वो उस नादान बच्ची को किनशिप के भेंट नहीं चढ़ने दे सकता, इसीलिए वो बच्ची को बचाने का तय करता है, जिसके लिए वो अब भी किनशिप के कंट्रोल में होने का एक्टिंग करने का तय करता है। वहीं सैम और जेम्स जो को अपडेट देते कि उसे वो मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि डोम कैल्सिफाई होने के कगार पर है। पर जो को लगता है कि ये सिर्फ उनका कोई मैकेनिज्म को तैयार करने का बहाना है और उनके धमकी से भी नहीं मानता। पर थोड़ी देर बाद जब बारबी उसे रेस्क्यू करने उस तक पहुंचता है, तब बारबी से भी डोम का कैल्सिफिकेशन कंफर्म होने पर वो वहीं ठहरने तय करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसका मतलब उन्हें कैसी भी दम घुटने से पहले डोम से निकलना होगा, और क्योंकि यही एक तरीका है डोम को नष्ट करने का। इस तरफ जूलिया का अपने हाइडआउट पर पहुंचने पर उसे उसकी टीम मिसिंग मिलती है, क्योंकि उसे अभी तक खबर नहीं है कि पिछले रात उसके टीम पर हमला हुआ था। पर वहां बने एक बॉटल के ड्रॉइंग से वो समझ जाती है कि टीम किनशिप से बचने के लिए टाउन के किंडरगार्टन बना ली है। अब टीम तक पहुंचने पर हेक्टर अब सभी से सीजन का नया ट्विस्ट शेयर करता है कि ऑल्दो उसका प्राइमरी मिशन एक के एनर्जी को हार्नेस करके अपने और ह्यूमंस के फायदे के लिए प्रयोग करने का था, पर वो एग को छूने पर उस इन्फेक्शन का क्योर भी पता लगाने की कोशिश में था, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो एग के पीसीस को जोड़कर एक फूल लेक तैयार करने में सफल रहे, तब उसका बिजनेस पार्टनर और करीबी दोस्त और लिली के फादर पैट्रिक के उस एग के करीब जाते ही एग ने उन्हें भी हिप्नोटाइज करके एग को छूने पर मजबूर कर दिया, जिससे झटके के ठीक बाद एग से निकला वो अननोन लाइफ फोर्स उन्हें पोजेस कर लिया। उन्होंने उसके इन्फेक्शन का क्योर पता करने की पूरी कोशिश की, पर तब तक वो चल बसे। डॉक्टर मैडसन खुद इस क्योर का पता लगाने पर काम कर रहे थे, जो थैंक्स टू जिम अब नहीं रहे। उन्हें एग से इन्फेक्टेड सबसे प्योरेस्ट इन्फेक्शन क्रिस्टीन के डीएनए की जरूरत है अपने न्यू क्योर को तैयार करने के लिए। उसका अल्टीमेट एम डोम के लोगों के लिए क्योर का पता लगाने का है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त की तरह किसी और का भी ये हशर हो। पर सबसे बड़ा ट्विस्टिंग न्यू मिस्ट्री ऑडियंस को पैट्रिक से रिवील होता है, क्योंकि मरने से पहले तड़पते वक्त वो पिंक स्टार्स और फॉलिंग के अलावा कुछ अजीब भी बड़बड़ा रहा था, जैसे हमेशा
हमेशा से जिंदा बने रहेंगे, वो आ रहे हैं। बहुत जल्द लड़ाई शुरू होने वाली है, पर आखिर इसका मतलब क्या है हमें आगे क्रिस्टीन से समझेगा। इनिशियली जिम को हेक्टर के बातों पर यकीन नहीं होता, पर बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने पर वो उससे सबसे खास जानकारी शेयर करता है जो हेक्टर को अब भी खबर नहीं थी, कि डोम से निकलने का तरीका अब भी है जिस पर किनशिप खुद काम कर रही है। इसका मतलब ये कि उन्हें क्योर का पता जल्द से जल्द लगाना होगा, क्योंकि क्या पता डोम से निकलने के बाद किनशिप के लोगों का क्या प्लान है। पर रियलिटी में जिम का हेक्टर पर शक करना सही था, क्योंकि लिली और उनके बीच बातों से ऑडियंस को रिवील होता है कि वो किसी कारण से डोम में हमेशा के लिए रहने आए हैं। उनका प्लान डोम से जाने का ही नहीं है, और किसी के डर से हेक्टर ने एंट्री के गेट को हमेशा के लिए ब्लास्ट से सील कर दिया। पर आखिर वो किससे भाग रहे हैं, और अगर लिली हेक्टर के साथ है तो उसने हेक्टर के कंपनी के सीक्रेट्स हंटर को सेफ रखने के लिए क्यों दिए, ये हम कुछ देर में समझेंगे। यहाँ ही वह डिलीवरी की तैयारी में अजीब कारण से 12 लड़कियों उसे घेरे दिखाई देती है, और वो उनमें से एक को अपने पेट पर हाथ रखने को कहती है, जिससे मानो उसे कुछ अजीब सा होने लगता है। बाद में ऑडियंस को रिवील होता है कि ईवा उन चोजन हेल्दी वुमेन्स के शरीर से जान खींच रही थी खुद की न्यू क्वीन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे कि एक बार क्रिस्टीन ने भी जेम्स के साथ किया था अपनी लाइफ स्पैन को टेम्परली बढ़ाने के लिए, जब डोम की कैल्सिफिकेशन के कारण वो खुद भी मरते जा रही थी। यहाँ जो स्कीमा का मतलब तो समझ गया, पर वो पत्थर काम कैसे करता है उसके लिए ये अब भी पजल होता है। पर फिर तभी एमिथिस अचानक से ग्लो करने लगता है जब सैम किनशिप का ट्रेडमार्क टोन विसल करता है। कुछ देर बाद वो बार्बी से और भी ऑब्जर्वेशन शेयर करता है कि वो पत्थर तभी काम करते हैं जब किनशिप के लोग सीधे उस पर उनका टोन विसल करते हैं, यानी कि उनका विसल टोन रिकॉर्डर से प्ले किया जाए तो वो एमिथिस काम नहीं करेगा। इसका मतलब कि किनशिप के लोग को ही डायरेक्टली विसल करना है। पर बार्बी यहाँ जो से एक खास जानकारी शेयर करने आया होता है, जो उससे जूलिया से समझी थी कि इन्फेक्शन का क्योर लाइकली पॉसिबल है, इसीलिए उसे मैकेनिज्म तैयार करने में किनशिप को स्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यदि क्योर काम कर गया तो वो सभी को क्योर करने के बाद डोम को नष्ट करने का सोच सकते हैं, ताकि इन्फेक्टेड लोग किनशिप से आजाद ना हो। पर यहाँ हैकिंग जीनियस हंटर लिली के दिए उन क्लासिफाइड फाइल से कुछ हिडन एन्क्रिप्टेड फाइल्स भी डिस्कवर करता है, जिन्हें डिक्रिप्ट करने के बाद उसे हेक्टर का एक झूठ का पता चलता है कि लिली के फादर अब भी जिंदा है, क्योंकि उन फोल्डर्स में मौजूद क्लिप्स 4 दिन पहले लिए गए थे। जब लिली हेक्टर को कन्फ्रंट करती है कि आखिर उन्होंने उससे झूठ क्यों कहा कि उसके डैड गुजर गए, तब ऑडियंस को उनके भागने का सीक्रेट रिवील होता है कि वो मिलिट्री के डर से भागे हैं, जिन्हें उनके सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में भनक लग गई है, और उन्होंने लिली को सेफ रखने के लिए पैट्रिक को वादा किया था, इसीलिए उसे पैट्रिक को छोड़कर भागना पड़ा। वहीं वो पैट्रिक को लेकर भाग नहीं सकते थे, क्योंकि उस अननोन लाइफ फोर्स की उन्हें पोजेस करने के बाद वो बस एक चलता फिरता एनर्जी सोर्स बन गए, जिसमें अब किसी अजीब एलियन लाइफ फोर्स का कॉन्शियसनेस समा गई। अब हमें समझ आता है कि पिछली बार हंटर के साथ वीडियो कॉल के दौरान लिली अचानक में किन से बचकर भाग रही थी, पर जब हेक्टर उससे पलट सवाल करता है कि आखिर वो क्लासिफाइड फाइल्स हंटर के हाथ कैसे लगे जो उसने उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए दिए थे ताकि पीछे कोई सबूत ना छूटे, तब लिली रिवील करती कि उसने एज बैकअप प्लान के लिए वो फाइल्स सेफ इसलिए रखा क्योंकि अगर वो अनफॉर्चुनेटली कभी मिलिट्री के हाथ लग भी गए तो वो अपने आजादी के लिए गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि एलियन की कहानी पब्लिक में फैले। पर यहाँ सभी सिवाय लिली के एक खास बात गौर करना भूल गए थे कि हेक्टर का प्लान क्योर का पता लगाकर डोम में छिपकर हमेशा के लिए बने रहने का था, पर अब वो संभव नहीं है क्योंकि किनशिप खुद डोम को गिराने के पीछे है, जिसका मतलब कि वो मिलिट्री के हाथ लग सकते हैं, यानी कि उसे कोई गंभीर कदम उठाना पड़ेगा ऐसा होने से रोकने के लिए। पर इन रिटर्न लिली उन्हें समझाती है कि यदि वो क्योर का पता लगाने में सफल रहे तो वो डोम से इन्फेक्टेड 2000 लोगों को क्योर करने के लिए हीरो साबित हो सकते हैं, और गवर्नमेंट एक हीरो को छू भी नहीं पाएगी जिससे वो फाइनली अपने डैड को भी देख पाएगी, जो हेक्टर को बात सही लगती है। यहाँ दोनों मिलकर क्रिस्टीन के डीएनए के लिए उसका एक हेयर सैंपल पा लेते हैं, और क्योर को ट्राई करने के लिए एक गिनी पिग जेम्स को भी हेक्टर के फोर्स की मदद से किडनैप करने में सफल हो जाते हैं। पर जेम्स को ट्राई करने के बाद वो अजीब अजीब बातें करने लगता है, जैसे तुम जानते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किनशिप के लोगों की जरूरत पड़ेगी अपनी रक्षा के लिए। पर आखिर वो ऐसा क्यों कहता है, ये भी आपको आगे क्रिस्टीन के बातों से समझेगा। अब वो अपना क्योर जेम्स पर ट्राई करते हैं और उन्हें बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि क्योर असर दिखाने लगता है और जेम्स नॉर्मल महसूस करने लगता है, इसीलिए कुछ देर बाद जिम जेम्स को कैद से खोल देता है। पर चालाक जेम्स अब तक सिर्फ नाटक कर रहा था, वो क्योर होने के बजाय उसमें मौजूद वायरस और भी स्ट्रांग हो गया, इसीलिए आसानी से अपने ताकत से सभी की खबर लेकर उनके चंगुल से भाग निकलता है। इसका मतलब कि उनके पास अब और कोई चारा नहीं है सिवाय सभी इन्फेक्टेड लोगों को खत्म करने का, इससे पहले कि सच में डोम नीचे आ जाए, क्योंकि वो इन्फेक्शन को आजाद होने नहीं दे सकते।
जिसे लिली सीक्रेटली सुन लेती है। यहाँ जो का स्लो प्रोग्रेस का पता चलने पर क्रिस्टीन उसे कन्विंस करने के लिए उसके प्लान के बारे में कुछ शेयर करती है कि ओरिजिनल प्लान के अनुसार किनशिप के टोन को 7 एमिथिस पर फोकस करने पर वो टोन एक्स से टकरा कर उससे निकल रहा एम्पलीफाइड टोन डोम को अनलॉक करने के लिए एक की तरह काम करता। पर अब जब उनके पास सिर्फ एक एमिथिस्ट और एग नहीं है, उसे उस एमिथिस्ट को एग्जैक्ट 60 टुकड़ों में भाग करना पड़ेगा। पर एग को किससे रिप्लेस किया जाए, यहाँ उन्हें उसकी इंटेलिजेंस की जरूरत है। वो उसे सिचुएशन की गंभीरता को समझाने के लिए अब पूरे सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील करती है कि उनके एलियन लाइफ और स्पीसीज का नाम द किनशिप है, जिनके प्लैनेट पर किसी और हाईली एडवांस स्पीसीज ने कब्जा कर लिया था। इसीलिए न्यू होम के तलाश में हजारों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके उन्हें ये प्लैनेट मिला। उनका प्राइमरी मिशन थ्राइव करने का है, पर सबसे बड़ी बात कि ह्यूमंस को खतरा उनसे नहीं बल्कि आगे जो आने वाले हैं उनसे होना चाहिए। पर क्रिस्टीन क्लियर नहीं करती कि आखिर वो कौन है जो रियलिटी में सीजन 4 का प्लॉट है। वो उसे एक शॉकिंग जानकारी भी शेयर करती है कि डोम 24 घंटे के अंदर कैल्सिफाई हो जाएगा, यानी कि उसे वो मैकेनिज्म अगली सुबह से पहले ही तैयार करना होगा। इसका मतलब ये भी कि जो क्योर का इंतजार नहीं कर सकता। वहीं क्रिस्टीन की तबीयत और खराब होने लगती है और वो अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लगती है कि उसका साइकिल खत्म होने वाला है, सिंस जिस मिशन के लिए उसे डिजाइन किया गया था वो खत्म होने आया है। जो को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती, पर ऑडियंस को ये सून क्लियर होगा। अब जो तुरंत काम पर लग जाता है और जीनियसली एमिथिस को एग्जैक्ट 60 टुकड़ों में तोड़ने में सफल हो जाता है। पर अब भी एक मिसिंग पजल की वो टोन को एम्पलीफाई कैसे करे, तब उसकी नजर रेडियो स्टेशन के टावर पर पड़ती है जिसके ट्रांसमीटर का वो प्रयोग कर सकता है टोन को एम्पलीफाई करने के लिए। मैकेनिज्म के अनुसार किनशिप द्वारा रिलीज टोन ट्रांसमीटर पिकअप करके डोम में रिलीज करेगा, जो डोम के सर्फिस से टकराकर मल्टीपल टाइम्स बाउंस होकर एम्पलीफाई होगा और इवेंचुअली जब इनफ एनर्जी रीच हो जाएगी तो टोन के एमिथिस से टकराने पर इनफ पावरफुल डोम साउंड वेव जनरेट होगा जो डोम को अनलॉक करने में सफल होगा। पर यहाँ क्रिस्टीन ने जो से एक बड़ी सीक्रेट छिपाई होती है जो उसे सीजन के एंड में समझेगा। यहाँ बार्बी अब और इंतजार नहीं कर सकता इससे पहले कि उसकी बच्ची किनशिप के हाथ लग जाए, और ईवा को इतने तेजी से प्रेग्नेंट देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि उनका मीटिंग 2 दिन पहले ही हुआ था। इसीलिए अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए वो ईवा को ड्रग करके अगवा कर लेता है। ईवा भयंकर लेबर पेन में जूलिया ना चाहते हुए भी उसी के सौतन का डिलीवरी करने में मदद करना पड़ता है। अंत में ईवा सक्सेसफुली एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है, पर जैसे ही वो उसे फीड करने लगती है वो अजीब तरह से बदलने लगती है और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आई हो और आपको सच में मेरी मेहनत काबिल तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो ताकि चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।